की चंडीगढ़ से। आपको बता दें कि एचकेआरएन के कर्मचारियों को सरकार की बड़ी सौगात, सरकार ने वेतन बढ़ोतरी की बात कही है, तो ये बड़ी जानकारी, 8% की बढ़ोतरी आज से लागू होगी, तो ये एक अच्छी खबर। एचकेआरएन के कर्मचारियों को हरियाणा सरकार के द्वारा बड़ा ऐलान, बड़ी सौगात दी जा रही है, तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं चंडीगढ़ से। इस वक्त ये बड़ी खबर, सरकार ने वेतन बढ़ोतरी का ऐलान किया है और 8% की बढ़ोतरी जो है आज से लागू हो गई है। आज महीने की पहली तारीख है, 1 जुलाई है, और आज से ही जो बढ़ोतरी का ऐलान किया गया है, 8% की बढ़ोतरी आज से ही लागू हो चुकी है, तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं एचकेआरएन के कर्मचारियों को सरकार की बड़ी सौगात, चंडीगढ़ से बड़ी जानकारी। और इस वक्त ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे विपिन परमार, इनपुट एडिटर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। विपिन, जिस तरह से 8% बढ़ोतरी की बात, ये बड़ा ऐलान सरकार की तरफ से किया गया है एचकेआरएन कर्मचारियों के लिए, क्या कुछ और जानकारी आपके पास से? एचकेआरएन की ओर से लगातार जो कर्मचारी हैं उनकी ओर से मांग की जा रही थी वेतन बढ़ोतरी को लेकर, और ऐसे में तमाम कर्मचारी जो हैं उनका प्रतिनिधिमंडल आज सीएम आवास पर पहुंचा था। पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, ये मेजर 3 पार्ट्स हैं जिनमें की जो है तमाम कर्मचारियों की ओर से जो है वेतन बढ़ोतरी को लेकर जो है वो मांग की जा रही थी। तो ऐसे में मुख्यमंत्री नायब सैनी की ओर से जो है वो 8% तीनों कैटेगरीज यानी तीनों पार्ट्स में, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में जितने भी कर्मचारी एचकेआरएन के तहत भर्ती हैं उनकी जो वेतन मान है उसमें 8% की वृद्धि करने का काम किया गया है। ऐसे में एचकेआरएन का ये प्रतिनिधि मंडल जो है वो सीएम आवास पर पहुंचा था और आज सीएम की ओर से ये तोहफा जो है वो एचकेआरएन के सभी कर्मचारियों को दिया गया है। बिल्कुल, और जब ये बड़ा ऐलान सरकार की तरफ से ये बड़ी सौगात दी जा रही है एचकेआरएन के कर्मचारियों को, 8% की जो बढ़ोतरी हुई है, क्या इससे वो संतुष्ट है विपिन? देखिए, फिलहाल प्रतिनिधि मंडल अगर बात करें, क्योंकि लगातार मांग थी कि वेतन बढ़ोतरी होनी चाहिए, तो ऐसे में उन्हीं की मांगों पर गौर करते हुए सीएम की ओर से ये बढ़ोतरी की गई है। तो ऐसे में अपनी मांगों को माने जाने के बाद जो है वो एचकेआरएन के कर्मचारी खुश नजर आ रहे हैं और सीएम की ओर से स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं एक जो मांग लंबे समय से लंबित पड़ी थी उसको पूरा करने का काम जो है वो किया है। बिल्कुल, आपकी जानकारी के अनुसार जो कर्मचारी हैं वो इस बढ़ोतरी से, जो 8% की बढ़ोतरी है, इससे खुश हैं। तमाम जानकारी के लिए विपिन बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जो कर्मचारियों के लिए ये बड़ा ऐलान सरकार की तरफ से किया गया है उससे कर्मचारी जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुश हैं।